आपने अपने स्कूल या कॉलेज में देखा होगा कि वहां पे कुछ ना कुछ रूल्स और गाइडलाइंस जो है वहां पर बनाए जाते हैं रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं जिसको सभी स्टूडेंट्स को सभी टीचर्स को फैकल्टीज को फॉलो करना होता है और वहाँ पर टीचर्स के लिए अलग रूल रेगुलेशन रहते हैं पॉलिसीज रहती हैं और वहीं पर जो है स्टूडेंट्स के लिए अलग रूल रेगुलेशन रहते हैं स्टूडेंट्स का अलग जो है ड्रेस कोड रहेगा फैकल्टीज का वहाँ पे हो सकता है कि ड्रेस कोड रखा जाए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर ड्रेस कोड रखा जाता है नहीं तो फिर वहाँ पर ड्रेस कोड नहीं होता है कोई भी वो प्रोफेशनल ड्रेस जो है वो पहन के आ सकते हैं इसी तरीके से आप आने जाने का टाइम देखेंगे तो वहां पर स्टूडेंट्स के लिए अलग टाइमिंग रहती है फैकल्टीज के लिए टीचर्स के लिए अलग टाइम रहेगी स्टाफ के लिए अलग टाइम रहेंगी फीस को लेकर सैलरी को लेकर यानी कि सभी चीज़ को लेकर रूल रेगुलेशन वहां पर बनाए जाते हैं तो इसी तरीके से ऑर्गनाइजेशन में भी ऑर्गनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे जो इंप्लॉयज है वो कैसे अपना काम को परफॉर्म करेंगे जो इंप्लाइज है उनके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी जो मैनेजमेंट है उनके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी सभी के लिए गाइडलाइंस जो है वहां पर प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई जाती हैं जिसको सभी इंप्लाइज को फॉलो करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको अपनी एक्टिविटीज

एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न इट्स एक्शन तो बिजनेस पॉलिसी क्या है पॉलिसी पॉलिसी मीन की गाइडलाइंस रूल रेगुलेशन स्टैंडर्ड जो कि ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उस पॉलिसी के तहत परफॉर्म किए जाते हैं पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो चल देते हैं वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है तो बिजनेस पॉलिसी क्या है वो गाइडलाइंस है डेवलप्ड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न इट्स एक्शन दे डिफाइन द लिमिट्स विद इन विच डिसीजन मस्ट बी मेड तो जो भी डिसीजन होते हैं चाहे वो लोअर लेवल पे चाहे मिडिल लेवल पे या टॉप लेवल पे वो डिसीजन जो है उस बिजनेस पॉलिसी के तहत लिए जाते हैं उसके लिमिट्स के अंदर ही लिए जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड हो गया गाइडलाइंस हो गया लॉ हो गया रेगुलेशन हो गया तो ये सब क्या पॉलिसीज़ है? हैं वो पॉलिसीज़ लिमिट आपको शो करते हैं कि आप इस लिमिट के तहत ही अपना काम कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के लिए जो है पॉलिसीज़ यानी गाइडलाइंस जो है डेवलप की जाती हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर तो पर वोशल ग्रोवर्स को लेकर पॉलिसी है एल्कोहल ड्रग फ्री वर्क प्लेस स्मोकिंग कैनबिस पॉलिसीज होती हैं अटेंडेंस के लिए पॉलिसी होती है वैकेशन आप चाहते हो तो उसके लिए पॉलिसीज होती हैं टाइम ऑफ पॉलिसीज होती हैं तो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग पॉलिसीज होती हैं उस पॉलिसी के तहत उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन लिए जाते हैं आप सपोज करिए कि नॉर्मली एक कॉमन पॉलिसी होता है क्या कि यूज़ ऑफ ड्रग एल्कोहल या टोबैको इन ए कंपनी इज ड्यूरिंग द वर्किंग आवर इज़ प्रोहिबिटेड यह क्या है पॉलिसी है कि आपकी ये कंपनी की पॉलिसी है कि वर्किंग आवर में आप जो है ड्रग एल्कोहल या टोबैको आप यूज नहीं कर सकते हो किसी भी कंपनी में अंदर वर्किंग आवर्स में वहीं पर कुछ कंपनीज जो होती हैं वो स्मोकिंग अलाउड करती हैं तो इस स्मोकिंग इज परमिटेड पॉलिसी विल डिस्क्राइब द प्रोसीजर दैट मस्ट बी फॉलोड तो अगर कहीं किसी कंपनी में स्मोकिंग अलाउड है तो उसके लिए भी पॉलिसी होगी कि कब आप स्मोकिंग कर सकते हो कौन से एरिया पर स्मोकिंग कर सकते हो उसके लिए पॉलिसीज़ गाइडलाइंस बनी होती हैं।, ही बिजनेस कहलाती हैं। तो हर पर्पस के लिए जो है गाइडलाइंस होती हैं, उसके तहत आप जो है डिसीजन मेकिंग्स करते हैं और जो है एक्शंस को परफॉर्म करते हैं पॉलिसीज वट इज एंड व्हाट इज नॉट डन तो पॉलिसी क्या होता है नॉर्मली कि क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो यही चीज बताता है पॉलिसी ये ये चीजें कर सकते हो और ये चीजें नहीं कर सकते हो डूज एंड डोंट्स तो वही पॉलिसीज कहलाता है उसी के तहत आपको सारे एक्शन लेने होते हैं बिजनेस पॉलिसी ऑफर गाइडलाइंस फॉर मैनेजर टू अप्रोप्रिएट टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन तो, तो बिजनेस पॉलिसी जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है मैनेजर्स को कि वो अप्रोप्रियट डिसीजन ले सके तो ये बिजनेस पॉलिसी कहलाता है अब बात करें नेचर ऑफ बिजनेस पॉलिसी तो बिजनेस पॉलिसी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फ़ंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट क्रूसियल इन्वॉर्वमेंट दैट अफेक्ट द बिजनेस तो बिजनेस पॉलिसी में क्या फंक्शंस होंगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी सीनियर मैनेजमेंट की कौन कौन से ऐसे इन्वायमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है इवायमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उसकी स्टडी जो है यहाँ पर होती है इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ डिसीजन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेव इट्स फ्यूचर तो यहाँ पर जो है कौन से डिसीजन लिए जाने चाहिए कौन से डिसीजन नहीं लिए जाने चाहिए कौन से ऐसे डिसीजन होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को इंप्रूव करेंगे अच्छा करेंगे तो उसको जो है यहाँ पर स्टडी किया जाता है इसी तरीके से बिजनेस पॉलिसी फ्रेम्ड बाई टॉप लेवल और एक्जीक्यूटिव जो बिजनेस पॉलिसी है वो टॉप लेवल के उनके द्वारा बनाई जाती है या फिर जो रूल रेगुलेशन है. है, बनते हैं उनको इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट दोनों को कंसिडर करके दोनों को एनालिज करके ही बनाया जाता है जैसे कि इंटरनल इन्वर्मेंट तो की, की बात करें तो स्वाट एनालिस हो गया एक्सटर्न इन्वॉर्वेंट के बाद इंडस्ट्री सबको करने के बाद ही जो है बिजनेस पॉलिसी बनाया जाता है यानी कि जब बिजनेस पॉलिसी बनती है तो पहले इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नलेंट को स्टडी किया जाता है एक्सटर्नल में इन्वाटिटर क्या कर रहा है कैसे कर रहा है उनकी क्या पॉलिसीज है इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उनकी क्या गाइडलाइंस है उन सभी को कंसिडर करके ही बिजनेस पॉलिसी को फ्रेम किया जाता है क्लियर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेचर हो गया वहीं पर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी की बात करें तो देखिए बिजनेस पॉलिसी क्या है इट प्रोवाइड गाइडलाइंस प्रोवाइड गाइडलाइंस हेल्प मैनेजर इन क्विक एंड साउंड डिसीजन मेकिंग यानी कि सही डिसीजंस लिया जा सके मैनेजमेंट द्वारा इसके लिए जो है जो एक गाइडलाइन है वो बिजनेस पॉलिसी प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके तहत जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेजमेंट है वो जो है बहुत जल्दी जो है इजिली और सही डिसीजन ले सकते हैं फैसिलिटेट इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग है वो सही तरीके से हो उसको फैसिलिटेट है भाई जब आपको पता होंगे कि क्या रूल है क्या रेगुलेशन है कितने बजे आना है कितने बजे जाना है कब लंच होगा कब क्लासेस लेनी है स्कूल की बात करें तो आप सही तरीके से सारी चीज को परफॉर्म करोगे ना तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको पता है कि कब आपको जो है ऑफिस में आना है कब जो है लंच ब्रेक होगा कब जो है प्रोडक्शन होगा कब जो है वहां पर पैकिंग होनी है कब जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा सारी चीजों का जब वहां पर रूल रेगुलेशन बना रहेगा तो आप आसानी से जो है अपने काम को वहां पर परफॉर्म कर पाओगे और सभी को पता होगा कि उनको क्या करना है तो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे तो इससे क्या होगा कि जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो इफेक्टिव तरीके से होगी और वहां पर उनको सही तरीके से कंट्रोल भी किया जा सकता है इट इनडायरेक्टली कंट्रोल्स दी मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल विदाउट डायरेक्टली इन देयर रूटीन वर्क यानी कि जो रूल रेगुलेशन होते हैं एक तरीके से क्या है ये कंट्रोल ही तो करते हैं सभी को कि सभी जो है रूल के अंदर काम करेंगे रेगुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे यानी कि वो कंट्रोल कर रहे हैं बिना उनको बीच में आए बिना उनके सामने आए ये जो है उनको कंट्रोल करता है रेगुलेट करता है इट क्लियरिफाई द व्यू पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द ऑफ रनिंग ए पर्टिकुलर एक्टिविटी

इंपॉर्टेंस हो गए बिजनेस पॉलिसी के इसी तरीके से पॉलिसीज जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन को जो है पर मेंटेन रखते हैं इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंसी हो क्योंकि आपको पता है कि रूल रेगुलेशन यही है आप उसी चीज को फॉलो करोगे जब उसी चीज को फॉलो करोगे तो यानी कि हर बार आप सेम टाइप का एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो वहां पर कंसिस्टेंसी रहेगी दस बजे ऑफिस में आ जाना है तो सभी लोग दस बजे से पहले पहले वहाँ पर ऑफिस में आ जाएंगे जो नहीं आएगा उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन वहाँ पर लिए जाते हैं क्लियर तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी की अब बात पर्पज पर 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 या फिर ऑब्जेक्टिव बिजनेस पॉलिसी पर्पज पूछा जाए फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं बस आपको यहां पर सेंटेंस को फ्रेम करना पड़ेगा तो जो मेन पर्पज़ है बिजनेस पॉलिसी का वो क्या है द मेन पर्पज ऑफ पॉलिसी इज टू इंश्योर दैट देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम प्लान कोर्स ऑफ एक्शन द फ्रेमवर्क इज सेट विद इन विच एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू वर्क पहला पर्पज तो यही होता है ना बिजनेस पॉलिसी बनाने का कि सभी लोग जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसके तहत काम करेंगे और जब उसके तहत काम करेंगे तो कोई भी अपने ऑब्जेक्टिव से अपने गोल से डेविएट नहीं होगा डाइवर्ट नहीं होगा जिसको जो कहा गया है वो वही करेगा क्लियर तो अगर बिजनेस पॉलिसी फ्रेम हुई है तो इसका मेन पर्पज यही होता है कि लोग अपने तरीके से काम ना करें बल्कि जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत काम करें तो इससे कंसिस्टेंसी भी रहेगी इससे लोग अपना काम सही तरीके से परफॉर्म भी कर पाएंगे टू फ्रेम पॉलिसीज और गाइडलाइंस बिजनेस पॉलिसी का मेन मोटिव ही होता है कि पॉलिसीज बनाए रूल रेगुलेशन बनाए गाइडलाइंस बनाए टू गाइड स्टाफ मेंबर एट एवरी लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वैन दे मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन भाई रूल रेगुलेशन आपको पता है गाइडलाइंस आपको दे दिए गए हैं तो अब आप उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जो है डिसीजन मेकिंग करेंगे जब उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आप आसानी से किसी भी को लेकर डिसाइड कर सकते हैं अब जैसे स्कूल की बात करें कॉलेज की बात करें कोई बच्चा जो है एक हफ्ता जो है वहां पर हो गया या फिर 75 उसकी अटेंडेंस नहीं रही तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप उसको डिटेन कर सकते हैं भाई रूल बना दिया है यूनिवर्सिटी ने कि कोई भी स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस अटेंडेंसेंट से कम है उसको आप एग्जामिनेशन में अपेयर होने से रोक सकते हैं ये रूल है आप यहां पर आसानी से डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं यहां पर कोई सवाल जवाब कर ही नहीं सकते भाई ये रूल है पचहत्तर से आपकी अटेंडेंस कम है आप जो है एग्जाम नहीं दे सकते हैं तो ये क्या है ये डिसीजन लेने में हेल्प करते